छुरीर व्यवहार मांस फल पनीपरिया आदि काटिबारे व्यवहार होइथाय किंतु छुरी रे मालिश बा विषय रे केबे सुनिछंती सुनिबाकु निहाती आश्चर्य लागथुबो किंतु छुरी रे मध्य मालिश करा जाइथाय। ताइवान रो मालिश पालर छुरी रे मालिश करबा एक पुरातन शैली रहिछि एहाकु डाउलिया कहा जाउथाय। चीन भाषा रे एहार अर्थ हेउछि छुरी रे मसाज बा नाई थेरापी। चीन औषधीय विज्ञान रे एही शैली मालिश करबा लोकप्रियता बहुत बेसी। छुरी रे मालिश करिबार शैली 2000 वर्षर पुराना। यार आरंभ बौद्ध भिक्षुक माने करिथिले 1000 वर्ष पूर्वे तांग वंशर शासन काल रे ए थेरापी जापान रे मध्य प्रचलित होतला। 1940 दशक रे चीन गृहयुद्ध समय छुरी रे मालिश करिबार परंपरा ताइवान रे पहुंचितला। एबे चीन एवं जापान रे थेरापी चरण प्राय नाही किंतु ताइवान रे एबे भी ए मालिश खूब लोकप्रिय। ताइवान रो राजधानी ताइपेलई रे ए थेरापी सिखिबा पई एक एजुकेशनल सेंटर खोला जाइछि। एर नाम द एनएसटीएट आर्ट ऑफ नाइफ मसाज डाउलियाओ आईजी किंग एजुकेशन सेंटर। समग्र ताइवान रे एजुकेशन सेंटर रे 36 शाखा रहिछि। ताइवान समेत विश्वर विभिन्न प्रांत रे लोक माने छोरी रे मालिश कला सिखिबा को एठा को आसथांती। फ्रांस कनाडा हांगकांग एवं जापान लोक माने ए थेरापी सिखिबा को ताइवान आसथांती। छुरी रे मालिश करिबार विभिन्न लाभ रहिछि। ए थेरापी सहज रे पुरुणा रोग एवं शरीर विभिन्न समस्या दूर करिथाय। चीन औषधीय विज्ञान रे जेउपरि अक्यूप्रेशर थेरापी करा जायथाय ठीक सेहिपरि छुरी मालिश रे प्रेशर पॉइंट को चापी धरी चिकित्सा करा जायथाय। किंतु छुरी मालिश रे किछि नियम मध्य पालन करा जायछि। वेरो रिपोर्ट श्रीक्षेत्र न्यूज़।